राजा और बारात। नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश का शुभ विवाह। जुड़ रहा है नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश का पवित्र रिश्ता। तो भाई इश्कबाज की सौम्या यानी कि नेहा लक्ष्मी रियल लाइफ में शादी के बंधन में बंध रही हैं अपने बॉयफ्रेंड रुद्रेश संग और शुरू हो गई हैं शादी की सभी रस्में। बैंड बाजा बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंच गए हैं अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए। यहाँ पर होगा महाराष्ट्रीयन और साउथ इंडियन वेडिंग का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर दुल्हन आ गई है साउथ इंडियन अटायर में सज धज कर, तो वहीं दूल्हे राजा भी काफी एक्साइटेड है। और ये स्पेशल एक शगुन टाइप होता है जो मैं अपनी ब्राइड को दूंगा। सो हाँ, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अभी देखते हैं कि कैसे और मजे करेंगे शादी में। साउथ इंडियन शादियों में यही पहनते हैं बुंदी। और सहरा तो जैसे पहले ही बांध चुके थे, मुझे भी इसका आइडिया नहीं ऑनेस्टली, बट रीति रिवाज के हिसाब से मैंने पहन लिया पहले। पर शामिल है इश्कबाज की टीम यानी कि मानसी, जो पहुंची है अपने हस्बैंड संग। साथ ही नजर आए श्रेणु और अक्षय साथ साथ। इसके अलावा कुणाल जय सिंह भी पहुंचे हैं यहां पर अपनी वाइफ संग। और देखिए कैसे सभी पहुंचे हैं नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश को शादी की बधाइयां देने के लिए। सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं और सबके चेहरे पे खुशी दिख रही है, हमारे पे भी। और नेहा और रुद्रेश दोनों ब्राइड और ग्रूम तो इतने खुश हैं, दे जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग। मतलब हमें किसको बोलना पड़ रहा है कि हेलो रस्म चल रही है, वो करो पहले। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि रस्म हो रही है, बट वो एक दूसरे में लगे हुए हैं, बातें करे जा रहे हैं। इवन वर्माला के टाइम पे वो लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसे मत करो, वैसे करो। दो दिन से देखा नहीं था ना एक दूसरे को, तो मिस कर रहे हैं। सो एनीवे साउथ इंडियन रस्मों के हिसाब से हो रही है शादी और हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक्चुअली। और अच्छा लग रहा है काफ़ी, वर्माला तीन बार एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे कुछ रस्म होती है उनकी। पर इतने सुंदर लग रहे हैं साउथ इंडियन ब्राइड्स, सो प्रीटी। और हमें रस्में भी देखने को मिलेंगी और मुझे लगता है कि महाराष्ट्रियन रस्मों के हिसाब से भी कुछ होने वाला है, फेरे शायद महाराष्ट्र रस्मों के हिसाब से होने वाले हैं, तो वो भी देखने को मिलेंगे। तो आज हमें दो दो टाइप की रस्म देखने को मिलेंगे, नॉट खाने वाला रस्म। तीन चार महीने से अपनी शादी याद कर रहे हैं, तो शादियाँ अटेंड करे जा रहे हैं। एंड आई थिंक एक और शादी आई थी उसके बाद, आई थिंक और आई थिंक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेट होती है। हम लोग बहुत लेट हो गए थे हमारी शादी में, और यहाँ पे भी जैसे मैं नेहा को रेडी कर रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गई, तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ डोंट पैनिक, थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं यू नो पंडित जी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो ये चीज़ें याद रहती है, यू नो लाइक हम लोग सुपर लेट थे तो वो हमें याद रहता है। और सब लोग गेस्ट भी बोलते हैं, तो आए हुए थे 12 बजे, तो मैंने कहा अरे यार चल रहा था रीति रिवाज, सब चल रहे थे। सो यही छोटी छोटी चीज़ों से शादियाँ सारी मेमोरेबल होती हैं। हम लोग दिल से बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ ठीक है हम लोग बनाए गए, पर हम साथ में बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। और नेहा की शादी को ऐसा मतलब फुल ऐसे घर वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब आंटी अंकल जाने ही नहीं दे रही थी, नहीं नहीं एंड तक रहो साथ में। तो हम लोग तो 4 दिन तो मेरे यहीं पे थे फुल, कहीं और बाहर जाना तो मैं मना कर दी, नहीं सॉरी अभी नहीं जा सकते। कलर ब्लाउज
somehow मैंने ये स्टिच नहीं करवाया, मैंने ये रेडीमेड ही लिया है, बट दिस इज कांजीवरम एंड आई थॉट साउथ इंडियन वेडिंग है तो वी शुड वेयर समथिंग ट्रेडिशनल ओनली, सो ट्रेडिशनल पहना है अलॉन्ग विद वेरी सिंपल ज्वेलरी भी बहुत सिंपल रखा है, सिंपल मांगटी का सिंपल इयर रिंग सो दैट यू नो वो सिंपलिसिटी बाहर निकल कर आए और अच्छा लगे सब कुछ. और मैं जो जुगाड़ किया मैंने वो नहीं दिखाऊंगी, वो आप दिखा देना अगर आपको दिखाना है तो. अक्षय और श्रेनु यहाँ है और क्या कुछ तो सबसे पहले देने वाले दोनों को जरूरत नहीं है, दोनों इक्वली पागल है, दोनों इक्वली लविंग है, दोनों इक्वली केयरिंग है, मतलब इतने एक दूसरे के लिए परफेक्ट होना इन दोनों से कोई सीखे, मतलब वी आर वेरी हैप्पी फॉर एनएलआई और फाइनली आई नो हर दैट शी वॉन्टेड टू सेटल डाउन, शी वॉन्टेड टू फाइंड अ ग्रेट गाय और फिर होता है जब लिखा होता है तब हो ही जाता है, जैसे आई थिंक हम सबके केस में हुआ है कि जब होना होता है तभी होता है, सो वी आर वेरी हैप्पी दैट रितेश हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहा है. आई थिंक सास की चीज़ें पहनी है, ये सेट भी सास का है, मंगलसूत्र भी सास ने दिलाया है मुझे और सब कुछ मैंने आज फुल ससुराल वाली मैं बन के आई हूँ. सो यस एंड सिंपल मैंने और मानसी ने डिसाइड किया था कि हम ट्रेडिशनल पहनेंगे साड़ी, सो आज हम फुल ट्रेडिशनल अवतार में आए हुए हैं. यस या पहले ये तो डिसाइड करती फिर उसके हिसाब से मैं अपने कपड़े. जर्नी होगी हमारी जर्नी जैसी रही, हमने जितने भी टिप्स दिए थे सब उल्टे थे, मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मैं बस ब्लेसिंग देता हूँ, खुश रहो साथ में रहो बी Thank you. भाई जयमाला की रस्म तो हुई और अब बारी है सात फेरों की, जिसमें नेहा लक्ष्मी ने लुक चेंज भी कर लिया और लाल कलर के इस जोड़े में वो लग रही हैं काफी खूबसूरत, तो वहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूल्हे राजा रुद्रेश. हजार में इंफिनिटी
बहुत बहुत ज़्यादा इंतजार किया मैंने इसका, और सीइंग द पर्सन जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो मोमेंट के लिए कि अभी है ना योर्स फॉरएवर वाला मोमेंट जो है, तो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल होता है बहुत, तो इसीलिए मुझे थोड़ा आगे जब मूवी ड्रीम टॉप तो पूरे मराठी रंग में रंग चुकी हो आप, नेहा लक्ष्मी जोशी। शादी हुई है वो साउथ इंडियन स्टाइल में भी हुई है, मराठी स्टाइल में भी हुई है, दोनों स्टाइल में हुई है। और पहले मैंने कांजीवरम साड़ी पहनी थी और अब मैं रवानी साड़ी में आ गई हूँ। तो भाई हमारी तरफ से नेहा लक्ष्मी और रुद्रेश को ढेर सारी बधाइयाँ। मुंबई से नुपुर माउची और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, और हाँ साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम।